गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ एकदम। और आज का ये व्लॉग मैं बिल्कुल रात को शूट कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि अभी मैं अपने डेली लाइफ रूटीन और ये जो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है इसके शेड्यूल को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अभी थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है। बट आई एम ट्राइंग कि ये पूरा शेड्यूल में मेरे आ जाए और यू नो फ्लो के साथ सब चीज़ें चलने लगे और सब धीरे धीरे हो जाएगा, नो इश्यूज़। बाय द वे मैं बता दूं, मैंने अभी एक सीरीज़ कंप्लीट करी है। कंप्लीट नहीं कह सकते मगर आज इसका फोर्थ एपिसोड आया था जो कि अभी बिल्कुल रीसेंट है। लॉकी, इसका फोर्थ एपिसोड आया है अगर आपने इसे कोई देखता हो तो। आज डेट है 1st of July और आज है नेशनल डॉक्टर्स डे। तो बिकॉज आई बिलोंग टू द सेम हेल्थ केयर प्रोफेशन, आई वुड लाइक टू विश ऑल द डॉक्टर्स कम्युनिटी अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे। तो डॉक्टर्स का हमारी कम्युनिटी में इतना इम्पॉर्टेंट रोल है कि डॉक्टर्स एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह काम करते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगर कभी भी किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इन सेंस अगर कभी भी किसी की हेल्थ में कोई इश्यूज आते हैं तो डॉक्टर ही एक ऐसा इंसान है जो सबसे पहले उनके माइंड में आता है कि भाई ये प्रॉब्लम हुई है तो चलो डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर वर्ड ही अपने आप में एक होप है, एक उम्मीद है जिसको सुनकर आधा पेशेंट तो तभी ठीक हो जाता है कि भाई मैं डॉक्टर के पास आ गया हूँ, अब डॉक्टर मुझे दवाई लिख के देंगे, मेरा ट्रीटमेंट करेंगे। इनफैक्ट उनके छू लेने मात्र से भी पेशेंट को इतना आराम मिल जाता है कि मानो वो पेशेंट तो वहीं ठीक हो गया। तो डॉक्टर और पेशेंट का एक रिलेशन ही ऐसा है जो कि साइकोलॉजिकल भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब एक्चुअल में तो जो ट्रीटमेंट होता है वो होता ही है, बट अगर आप ध्यान से सोचो इन केस ऑफ कोविड आई गेस जब डॉक्टर्स की इतनी शॉर्टेज हो गई थी तो पेशेंट्स को डॉक्टर मिलने ही मुश्किल हो गए थे। तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, जो लोग फिर डॉक्टर से कांटेक्ट करते थे अपनी क्रिटिकल सिचुएशंस में, जब वो लोग बात करते होंगे तो उनको तभी इतना रिलीफ मिलता होगा कि भाई हमने डॉक्टर से बात कर लिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ एक बड़ी उम्मीद का और बहुत होप का एक रिलेशन है जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशन में अगर आप अपने डॉक्टर पे होप नहीं रखेंगे, उन पे उम्मीद नहीं रखेंगे, उन पे भरोसा नहीं रखेंगे तो दोनों के लिए ही मुश्किल हो जाएगी। एज अ डॉक्टर मैं भी यही आपसे सजेस्ट करता हूँ अपनी ऑडियंस से, अगर आप किसी भी डॉक्टर से बात कर रहे हैं या आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनके ट्रीटमेंट पे थोड़ा सा फेथ रखिए, वेट कीजिए, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जो किसी भी अपने पेशेंट का बुरा चाहेगा। उसको पता है अगर आप पेशेंट आपके पास आया है, कोई भी इंसान अगर डॉक्टर के पास आया है तो वो किसी परेशानी में ही होगा, कोई प्रॉब्लम होगी उसके साथ, तभी वो आपके पास आया है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। बट रिसेंटली आप सभी को पता होगा न्यूज़ में ऐसी ऐसी खबरें आई हैं कि उनको देख कर ही दिल दहल गया, डॉक्टर्स के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उन्हें मारा पीटा, अब्यूज़ करा, मतलब सोचकर ही बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर हम उस जगह होते तो क्या सिचुएशन होती, इतना तो मतलब इंसानियत बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है और मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। तो मैं तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप जिस भी किसी डॉक्टर को जानते हो, आपके फैमिली डॉक्टर हो या आपके आसपास कोई डॉक्टर हो, तो प्लीज़ उन पर फेथ रखिए, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, वो सोसाइटी का भला करने के लिए ही हैं, बाकी आप सब लोग समझदार हैं। सो हैप्पी डॉक्टर्स डे to all the doctors out there once again.